This news bulletin is brought to you by NK Law Solicitors, dealing with immigration, asylum, nationality, work permits, domestic violence and much more. This news update is brought to you by Coco's Grill House and Desserts, Rochdale. Visit our 100-seater restaurant and enjoy the food and atmosphere. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Pakki Khabar News Update ke saath main hoon Sana Hussain. Chalte hain khabron ki janib. पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात मुस्बत रहे। IMF का अलामिया जारी। IMF की जानिब से जारी अलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान से 12 ता 15 नवंबर तक कमीशन चीफ नितिन पोर्टर की सरबराही में मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात में वफाकी हुकूमत के अलावा सूबाई हुकूमतों से भी बातचीत हुई। अलामिया में कहा गया है कि मुज़ाकरात में निजी शोबा के नुमाइंदों से भी तबादला ख्याल हुआ। IMF के अलामिया में बताया गया है कि माशी अमूर पर पाकिस्तानी हुकाम के साथ बातचीत मुस्बत रही। वजारत दाखिला ने PTA को गैर कानूनी VPN बंद करने के लिए खत लिख दिया। वजारत दाखिला का कहना है कि VPN से दहशतगर्द बैंक ट्रांजेक्शन और दहशतगर्दी में मदद हासिल करते हैं। VPN इस्तेमाल करके दहशतगर्द अपनी शनाख्त और बातचीत छुपाते हैं। VPN को फहाशी और तोहीन आमेज मवाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वजारत दाखिला ने PTA से कहा है कि गैर कानूनी VPN को इन वजूहात की वजह से बंद किया जाए। सिंध काबीना में बड़ी तब्दीलियां। कई वजह से इजाफी कलमदान वापस लिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुकेश कुमार और बाबू खान भयूर दोबारा सिंध काबीना का हिस्सा बन गए, जबकि वजीर आला सिंध के 3 एडवाइज़र और 10 मामलेन खसूसी को भी कलमदान सौंप दिए गए। सिंध काबीना में बड़ी तब्दीलियां करते हुए सीनियर वजीर शजीरीना मेमन से एक्साइज का कलमदान वापस लेकर मुकेश कुमार चावला को वजीर एक्साइज तैनात कर दिया गया, जबकि मोहम्मद अली मलकानी से बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी का कलमदान वापस लेकर लाइव स्टॉक एंड फिशेज को वजीर बना दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध काबीना में दोस्त अली रहमू को वजारत से हटाकर मशीर बना दिया गया, जबकि बाबू खान भयू महकमा जंगलात के मशीर तैनात होंगे। इसी तरह नजमी आलम से फिशेज और लाइफ स्टॉक का कलमदान वापस ले लिया गया, वो अब मशीर कचियाबादी मुकर्रर होंगे। फितनातुल ख्वारिज दुनिया के तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की अमाज का बन चुकी है। आर्मी चीफ वफाकी दारुलहुकूमत में मार्गला डायलॉग 2024 की खसूसी तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान का किरदार के मौजू पर गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने इलाकाई हम आहंगी और बैन अवी अमन को आगे बढ़ाने में नुमाया कामयाबियों पर रोशनी डाली। मार्गला डायलॉग 2024 की खसूसी तकरीब का अहतमाम इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IPRI की जानिब से किया गया था, जिसमें आर्मी चीफ ने खिताब करते हुए कहा कि हालिया बरसों में दुनिया को कई चैलेंजेस का सामना है, जिनमें गलत और गुमराहकुन मालूमात का तेज़ी से फैलाव एक अहम चैलेंज है। दुनिया में कई तब्दीलियों के पेश नज़र गैर रियासी अनासर का असर रसूख बढ़ जाना भी एक अहम चैलेंज है। सऊदी अरब की दारुलहुकूमत रियाद में मजलिस पाकिस्तान के ज़ेर तमाम शायर मशरिक डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल की योम विलादत के सिलसिले में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मकाबला फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं आबिश शमोन चांद की इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब के दारुलहुकूमत रियाद में मजलिस पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम शायर मशरिक डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल के योम विलादत के सिलसिले में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से तल्लक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी सैयद वकास अंजम ने पाकिस्तान से ऑनलाइन खिताब करते हुए डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल के अफकार को अमली जमा पैमाने के लिए उनकी शायरी, फ़लसफा, सियासी तदबीर, रोशन ख्याली और माशरती जदोजहद का गहराई से मुतालिया करना चाहिए। फलसफी शायर की तहरीक पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए खिदमात नाकाबले फरामोश। पाकिस्तान की कामयाबियों के ऊपर खुश होते हैं और पाकिस्तान को किसी किस्म के नुकसान का सामना करना पड़ता है, किसी आजमाइश और चैलेंज से ये खिता दोचार होता है, यही वो लोग हैं कि जो इसकी आज और इसकी तपिश को अपने दिल के अंदर महसूस। तकरीब से खिताब करते हुए मजलिस पाकिस्तान के मियाँ आहमद का कहना था कि हमें ऐद करना होगा कि हम इकबाल के तसव्वुर करदा पाकिस्तान के उसूल के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। अकीमुल उम्मत डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल ने एक पुर अमन, एतदाल पसंद और रोशन ख्याल इस्लामी मुआशरे का तस्वर पेश किया था। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप तमाम भाइयों का, आपने अपना वक्त निकाला, लेकिन ये वक्त निकालना ही चाहिए था इतने अहम कौमी काम के लिए, कौमी मकसद के लिए। तो इस मकसद के लिए मैं आप सबकी तरफ से आप सबका शुक्रगुजार। इस वक्त मुमकिन नहीं है मेरे लिए, माशाल्लाह तकरीबन 1.5 दर्जन के करीब हमारे मुकर्ररीन आज यहाँ पर थे,
क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि ठीक है भाइयों ने कहा कि किसी जमात का यहाँ पे नाम लिया, लेकिन मजलिस पाकिस्तान बहरहाल ये एक अपोलिटिकल फोरम है। तकरीब से राना उमर फारूक, अरशद तबस्सम, राशिद मिनहास, डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक, मंसूर महबूब, एहसन अब्बासी और दीगर का खिताब करते हुए कहना था कि अलामा इकबाल के अफकार हर रंग और नस्ल से तल्लक रखने वालों की राहनमाई करते हैं। अब शमून चांद, पक्की खबर, सऊदी अरब। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप के ज़ेरे तमाम सफारतखाना पाकिस्तान रियाज में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 200 से ज़ायद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत करके नादार और मुस्तहिक हम वतनों को मुफ्त तबी सहूलियात फराहम की। मज़ीद देखते हैं रियाज से आबे शमून चांद की इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम सफारतखाना पाकिस्तान रियाज में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 200 से ज़ायद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत करके नादार और मुस्तहिक अम वतनों को मुफ्त तिबी सहूलियात फराहम की। फ्री मेडिकल कैंप में 800 से ज़ायद मरीज़ों को मुफ्त अद्वियात के साथ साथ अल्ट्रासाउंड, ECG, एक्सरे और दीगर मेडिकल टेस्टों की सहूलत फराहम की गई और मुफ्त तिबी मशवरे भी दिए गए। इस साल के मेडिकल कैंप का फोकस फेफड़ों के आलमी दिन पर फेफड़ों की नशोनुमा और उनको सेहतमंद रखने के लिए आगाही देना था। इस मौके पर सफीर पाकिस्तान अहमद फारूक ने मेडिकल कैंप का दौरा किया और पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप की बेरोज खिदमात को सराहते हुए कहा कि फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद बेहतरीन खिदमत खल्क है, जिससे दियारे गार में मुकीम अम वतनों को बेहतर तिबी सहूलियात फराहम होती हैं। पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप के सदर डॉक्टर असद रूमी का कहना था कि 2010 से हर 6 माह बाद फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जा रहा है ताकि दियारे गैर में मुकीम अम वतनों को बेहतर तबी सहूलियात फराहम की जा सकें। अपने अम वतनों की खिदमत ही हमारा मंशूर और मिशन है। 1000 से ज़्यादा मरीज़ देखे गए हैं और इसका जो मेन थीम है आज वो है आलमी दिन, जो हम जो बनाते हैं ना लंग्स की डिजीज़ होती है COPD, उसका हम आलमी दिन बना रहे हैं और उसका मकसद ये है कि स्मोकिंग को तर्क किया जाए, स्मोकिंग को छोड़ा जाए ताकि उस डिजीज़ से बचा जाए। वो ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपके लंग्स फेल हो जाते हैं, फेफड़े फेल हो जाते हैं और आप उससे वफात पा सकते हैं। इसके साथ साथ हमने बहुत इंपॉर्टेंट काम, हमने फ्लू की वैक्सीनेशन 1000 से ज़्यादा मरीज़ों को दी है। यहाँ पर 200 से ज़्यादा डॉक्टर्स, 150 से ज़्यादा वॉलंटियर्स, मेडिकल टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जो ECG, ब्लड टेस्ट, एको, अल्ट्रासाउंड प्रोवाइड कर रहे हैं और अनगिनत किस्म के स्पेशलिटी के मरीज़ जो आए हुए हैं यहाँ पे कंसल्ट को दिखाने के लिए वो मौजूद हैं। हमने ख़ास तौर से पेन मैनेजमेंट ट्रेनिंग शुरू किया है और जो मरीज़ जिनको नी में या शोल्डर में पेन था उनको इंजेक्शन प्रोवाइड किए हैं। तो ये सर्विस ये है कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स को रियाद की मदद से, जो लोग रियाद में अंडर प्रिविलेज हैं जिनको हमारी ज़रूरत है, दिस इज़ अ टाइम टू रिटर्न बैक, तो हम उनकी खिदमत करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और हम जब तक यहाँ पे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी की हम खिदमत रियाद में करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आबद शमून चांद, पक्की खबर, रियाज, सऊदी अरब। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे सातों दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। दूसरा T20 ऑस्ट्रेलिया का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली, सिडनी में खेले जा रहे मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। दूसरे T20 मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली की गई है और हसीबुल्ला की जगह सुफियान मुकीम को टीम में शामिल किया गया है। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, साहबजादा, फरहान, उस्मान खान टीम में शामिल हैं। सलमान आगा, फरहान खान, अब्बास अफरीदी, शाहीन शाह, हारिस रऊफ भी प्लेइंग 11 का हिस्सा है। इसके अलावा नसीम शाह और सुफियान मुकीम भी 11 खिलाड़ियों में शामिल हैं। याद रहे कि बारिश से मुतासरा पहले T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 31 रन से शिकस्त दी थी। 3 T20 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की सबकत हासिल है। मजीद न्यूज अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे सातों दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।